ये हमारी सूची की त्रासदी है कि गांधी जी जैसे व्यक्ति के बाद इस सदी के एक सिर फिरे व्यक्ति का जिक्र हो रहा है। ये है एडॉल्फ हिटलर, 16वें नंबर पर। हिटलर तो एक सर फिरा इंसान था, हत्यारा था, लेकिन उसने अपने जीवन काल की सदी को पूरी तरह बदल दिया। उसने तो पूरी यूरोपीय प्रणाली को ही उखाड़ फेंका। दुनिया के मंच पर यूरोप की हैसियत गिराने के लिए वही जिम्मेदार था। वो उस जर्मनी की संतान था जो प्रथम विश्व युद्ध की हार से उबर रहा था। एडॉल्फ हिटलर बेहद मामूली पृष्ठभूमि से उठकर इतिहास का सबसे निर्मम तानाशाह बन गया। वो करिश्माई और चालाक था। उसे ताकत के बल पर काम निकालना भी आता था और राजनीतिक जोड़ तोड़ के जरिए भी। लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए उसने बड़ी चतुराई से प्रोपेगंडा का सहारा लिया। ज्यादातर जर्मन तो उसकी मौजूदगी को लेकर ही शर्मिंदा हैं। उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं सूझता कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि सारी जिंदगी बेरोजगार रहा एक ऑस्ट्रियाई नागरिक जर्मनी का निरंकुश तानाशाह बन बैठा। दरअसल सरकार की बागडोर एक सरफिरे के हाथ में आ गई थी। ये अजीब बात है कि ये शख्स पूरी दुनिया पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का रुख बदलने के लिए कई देशों को गठजोड़ बनाना पड़ा, लेकिन उससे पहले तो हिटलर अपने आतंक से हमें भयभीत कर ही चुका था, जो आज भी हमें सिहराता है। पहले किसी ने भी जानबूझकर और सिलसिलेवार तरीके से दुनिया से एक नस्ल को खत्म करने की साजिश नहीं रची थी। उसने अपने पूर्वाग्रहों की खातिर बेहिसाब अत्याचार और जुर्म किए। इस बात का कोई तार्किक जवाब नहीं है कि लोगों को गैस चेंबर्स में क्यों मार डाला गया। कोई नहीं जानता कि वो यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। इस बात में कोई शक नहीं है, और मैं इसे बिल्कुल साफ साफ कहता हूं कि पिछले मिलेनियम का सबसे असरदार शख्स ही इस सदी का सबसे बुरा आदमी था। एडॉल्फ हिटलर ने जो कुछ किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सिर्फ उसी के कारण 5 करोड़ लोग मारे गए। सबसे ज्यादा कहर यहूदी लोगों पर ढाया गया, और लोग भी इसका शिकार हुए। उसकी विरासत आज भी बोस्निया और कोसोवो और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में जारी है।